तो हेलो दोस्तों, और कैसे हो? स्वागत करता हूँ इस न्यू वीडियो में आप सबका। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, थोड़े दिन पहले मैंने ये वाली वीडियो डाली हुई थी, जिसके कि कमेंट सेक्शन में मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट पढ़े जिसमें कि आप सबको प्रॉब्लम हो रही थी कि कॉपी पेस्ट कैसा करें आपका, किसी किसी को आप रिसेट के जो काम नहीं कर रहा था। तो उसी वीडियो को मैं देखते हुए मैंने ये नई वीडियो बनाई हुई है, फुल आपको वॉइस ओवर के साथ, कि आपको बराबर समझ आए। तो चलिए बिना देर में इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। उससे क्या होगा, जब भी मैं फ्यूचर में वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम में भी बहुत सारे अपडेट देता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपनी फोटो को शेयर करना है, कॉपी पेस्ट की थी तो सबसे पहले आपको लेटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, देख सकते हो हमारी फोटो जो लेटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किया पूरा देखना आप, तभी आपको समझ में आएगी कि फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं, या फिर जो आपको कॉपी पेस्ट की जो प्रॉब्लम आ रही थी उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो ऑटो का टूल दिख रहा है, आप देख सकते हैं नीचे, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो देखिए, मैं आपको क्लिक करते हैं, इसके अंदर बहुत अच्छा ग्लो आ जाएगा। तो देख सकते, मैंने एक ही क्लिक में बहुत अच्छा ग्लो आया है। हो सकता है आपके फोटो में एरर भी आ सकता है, तो आपको इस मैनुअली भी इधर से आप कर सकते हो। तो मेरा बहुत ही चाह चुका है, तो मैं इसको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करूँगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जाना है कलर वाला टूल के ऊपर, इसमें आप देख सकते हैं वाइब्रेशन ऑटो, जैसे मैंने ऑटो के ऊपर क्लिक किया था, इसकी वाइब्रेशन जो बढ़ चुकी है। तो वाइब्रेशन इतनी रखेंगे, सैचुरेशन को और थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम। फिर हम जाएंगे मिक्स वाला टूल के ऊपर, मिक्स वाला टूल में हम सबसे पहले लेंगे ग्रीन कलर, ग्रीन का हम सैचुरेशन फुल्ली बढ़ा देंगे। और उसका जो है आप थोड़ा सा माइनस कर देना अपने फोटो के हिसाब से, अपने फोटो में जितना भी ग्रीन कलर उसको थोड़ा सा येलोइश में थोड़ा सा लाना है। तो आपको अपनी फोटो के हिसाब से रखना है, आपको ज़रूरी नहीं कि मैं जितने रखो इतने ही रखें, आपको अपनी फोटो के हिसाब से रखना है। ठीक है, इसके बाद हम येलो कलर को पाते हैं, येलो में हम थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देते हैं और लुमिनस को थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसके बाद हम आते हैं एक्वा कलर के ऊपर, एक्वा कलर का हम थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देते हैं और ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं ब्लू कलर के ऊपर, ब्लू कलर का सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसका ह्यू को थोड़ा सा माइनस कर देते हैं और इसका जो लुमिनस है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके बाद हमारा आती है फेस की, फेस की जो एडिटिंग करनी है, तो फेस को एडिटिंग करने का आपको लेना पड़ेगा ऑरेंज कलर। जैसे हम ऑरेंज कलर लेंगे, इसकी लुमिनस को थोड़ी सी बढ़ा देनी है और जो इसका सैचुरेशन उसको थोड़ा सा कम कर देना। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे रेड कलर के ऊपर, रेड कलर ज़्यादा नहीं है हमारे फेस के ऊपर, तो इसका लुमिनस थोड़ी सी बढ़ा देंगे बस, और इधर ऊपर से हम डन कर देंगे। ठीक है, इतना होने के बाद आपको एफेक्ट वाला टूल के ऊपर आ जाना है, इफेक्ट में आपको टेक्स्चर थोड़ा सा माइनस कर देना है, क्लियरिटी को थोड़ी सी बढ़ा देनी है, जो विडनेट है उसको थोड़ा सा माइनस कर देना है।